हाय गाइस, आई एम डॉक्टर दिवाकर, BA MSSMIS गांधीनगर। आज हम पढ़ेंगे आयुर्वेद पोर्शन जो 50 मार्क्स की आती है ना, उसमें से एक जो है ना गर्भ शरीर। गर्भ शरीर आपका 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं गर्भ शरीर से, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम गर्भ के डेवलपमेंट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला आता है क्या, गर्भकारंती शरीर। क्या होते हैं गर्भकारंती शरीर, ये देखो श्लोक का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये क्या था, एवं जो अभव श्लोक के मतलब क्या था, वर्ड अवक्रांति, गर्भ अवक्रांति। देखिए तुम वर्ड मीनिंग जो होता है ना, अवक्रांति का मतलब होता है डिसेंट, ठीक है। इसका साइनोनिम्स होते हैं उपगम, मेलक, ठीक है, उत्पत्ति, संप्राप्ति, ये सब जो होता है ना क्रांति का, जो अवक्रांति होता है ना उसका साइनोनिम्स होता है, ठीक है। ये जो होता है ना साइंटिफिक वर्ड डील्स विद द फॉर्मेशन डेवलपमेंट ऑफ गर्भ अनटिल डिलीवरी, ठीक है। गर्भक्रांति का डिपार्टमेंट होती है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड डिपार्टमेंट होती है गर्भक्रांति का, ठीक है। तो गर्भक्रांति रेफर्स टू दैट साइंस व्हिच डील्स विद द फ्यू वाइटल कॉन्सेप्ट लाइक हाउ द गर्भ इज प्रोटेक्टेड सपोर्टेड, हाउ इट स्टे इन द बम ऑफ मदर, हाउ इट इज ए प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी एबनॉर्मलिटी ऑफ मिसकरेज, ठीक है। गर्भ इज टाइमली डिलीवर्ड विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, ये सब चीज़ गर्भकारंती में पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये गर्भ, डिफिनेशन ऑफ गर्भ, पांचों बार पूछा गया, आप NIU उठा लो, BHU उठा लो, गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी उठा लो, हर जगह ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पहले तो श्लोक याद कर लो, आचार्य चरक का है, शुक्र और सोनित गर्भाशय स्थात्मा प्राकृतिक विकार समुचिता गर्भ इत्युच्यते, मतलब शुक्र और सोनित के संयोग से, मतलब क्या होता है कि शुक्र और सोनित क्या होता है, लोकेटेड है कहाँ पे, गर्भाशय स्था, गर्भाशय में, ठीक है। इन कॉम्बिनेशन ऑफ आत्मा, कॉम्बिनेशन किसके साथ होते हैं, आत्मा विकार, विकार आत्मा प्राकृतिक विकार समुचिता गर्भ इत्युच्यते, ठीक है। हेंस गर्भ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होते हैं, आत्मा, गर्भ जो होता है ना कॉम्बिनेशन किसका होगा, तो आत्मा भी प्राकृति विकार और सोनित के कंपोजिशन से बनता है, ठीक है। हियर इन दिस कॉन्टेक्स्ट द वर्ड प्राकृति वर्ड में रेफर्स टू अष्ट प्राकृति की बात करते हैं, ठीक है, व्हिच इंक्लूड करते हैं क्या, अव्यक्त, महंत, अहंकार, पंच धनमात्रा, ठीक है। एक बार इस बार तो एग्जाम में पूछा गया था, राइट द नेम ऑफ अष्ट प्राकृति, ये भी पूछा गया है। तो अष्ट प्राकृति में अव्यक्त, महंत, अहंकार, पंचतंत्र तन्मात्रा में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब हो गया, ठीक है। अब रेफर्स टू द सद्य विकार विच इंक्लूड करते हैं एकादश इंद्रिया और कहते हैं षोडश विकार। षोडश विकार का मतलब क्या हो गया, षोडश विकार, ये भी पूछा हुआ है, भाईवा में भी पूछा जाता है ये षोडश विकार, मतलब एकादश इंद्रिया और पंच महाभूत। एकादश इंद्रिया पाँच तन्मात्रा, पाँच ज्ञानेन्द्रिया, पाँच कर्मेंद्रिया और क्या है, पंच महाभूत और एक मन, यानी षोडश विकार हो गए, ठीक है। अब इसका संयोग आचार्य चरक के अकॉर्डिंग जो इसका श्लोक होता है ये भी याद रखते हैं, शुक्र और सोनित जीव संयोग तू खलु कुछी गते गर्भ संज्ञा भवति। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग क्या होता है, संयोग, यानी संयोग का मतलब क्या होता है, संयोग, यूनियन किसका, शुक्र और सोनित का, ठीक है, कहाँ, एंड जीव का, शुक्र सोनित जीव का कंजुगेशन होता है कहाँ पे, बॉम में, तो क्या होता है गर्भ कहते हैं, ठीक है, जिन्होंने नोन एज गर्भ, ठीक है। अब बात करते हैं गर्भ जो होता है ना फॉर्म होता है किस, गर्भस्य खलु, ये श्लोक याद नहीं रखना है क्योंकि कितना श्लोक याद रखो, गर्भ जो होता है फॉर्म्ड होता है फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ विकार ऑफ पंच महाभूत, ठीक है, वायु, अग्नि, तयो, भूमि एलोंग विद चेतना, तो ये बनता है पंच महाभूत, ठीक है, ये बीच वाला चीज़ नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, शुक्र इज द सेवेंथ धातु होती है, ठीक है, और इसका अंजलि प्रमाण की बात करते हैं तो अर्धस्य अंजलि प्रमाण होते हैं, मतलब आधा अंजलि प्रमाण होता है। शुक्र इज फॉर्म्ड ऑफ द सार अपहर परिमाण आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मज्जा धातु, ठीक है। अब शुक्र का जो स्वरूप होता है वो क्या होता है, ये डिफरेंट स्वरूप ऑफ शुक्र के नीचे अलग अलग रूप में होते हैं, ठीक है। अब देखिए समझिए, ये श्लोक कई बार पूछे जाएगा, मतलब क्या होता है, मतलब शुक्र के रूप या शुक्र का श्लोक पूछेंगे मैडम या फिर जो एग्जाम में पूछा जाएगा क्या, शुक्र का स्वरूप बताइए या शुक्र का श्लोक बनाइए बताइए, तो स्फटिकाभम द्रव्य स्निग्धम मधुरा मधुर गंधी च शुक्र मिचन्ति केचुतु तेलम स्रोदम निभम तथा। स्फटिकाभम का मतलब क्या होता है, क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर की बात करता है।
स्फटिका अब स्फटिका मतलब क्रिस्टल, द्रव्य द्रव्य का मतलब लिक्विड, और स्निग्ध स्निग्ध मतलब अनकॉन्सिक्यूसनेस मधुर, मधुर का मतलब क्या है स्वीट टेस्ट, और मधुर गंधी मधुर गंध के तरह। शुक्र मिशंति शुक्र जो होता है ना वो किसके जैसा होगा तो तेल स्रोत मतलब तेल घी और निभम की तरह होगा, ठीक है आचार्य सरस्वत के अकॉर्डिंग। ठीक है मधुर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना मधुर मतलब स्वीट इन टेस्ट मधुर गंधी, स्मॉल कैसे स्मेल कैसा होगा हनी के तरह, और तेल छोद्र निभ मतलब रिसेम्बल वाइल और हनी हनी के तरह दिखता है। ठीक है अब बात करते हैं क्या फिर आचार्य चरक ने ही सो कहा है, बहलम मधुरम स्निग्ध वृषम गुरु पिछिला शुक्रम बहुज यक्षुका फलवत फलवत सस्यम। ठीक है तो पहले वाला श्लोक से ही काम चला लेंगे एग्जाम में, ठीक है दूसरे वाला श्लोक लेकिन मैं बता देता हूँ। भला भला मतलब क्या होता है बहल, बहल मतलब क्या ठीक इनकंसिस्टेंसी, मधुर मतलब मधुर स्वीट इन टेस्ट होता है, स्निग्ध स्निग्ध का मतलब अनकॉन्सिक्यूसनेस, अविसरा अविसरा मतलब क्या होता है विदाउट पिट्रीफाइड स्मेल। ठीक है गुरु गुरु मतलब हैवीनेस, और पिछिल पिछिल मतलब सिलिमी, शुक्र बहु मतलब शुक्र बहु बहु मतलब क्या होता है लार्ज इन क्वान्टिटी में या इच्छुक फलवत संशयम। ठीक है पहला वाला श्लोक की याद रखना है। ठीक है फैक्टर व्हिच इम्प्लांटेड इन द फॉर्मेशन ऑफ गर्भ इज नोन एज शुक्र, शुक्र के फॉर्मेशन के शुक्र जो होते हैं ना गर्भ पर जाए थे मतलब शुक्र जो होते हैं ना गर्भ का फॉर्मेशन करते हैं। शुक्र जो होता है ना बना किसका किसका होता है तो पंच महाभूत जो भी है वायु अग्नि जल पृथ्वी ये सब के कंपोजिशन से बना होता है क्या पंच भौतिक कंस्टिट्यूटेंट। ठीक है और इसमें क्या होता है छः रस भी होता है प्रीडोमिनेंटली, लेकिन मेनली कौन सा प्रीडोमिनेंट होता है मधुर होता है, बाकी छः रस भी होता है। ठीक है अब क्या देखो अब फिर इसका जो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में जो शुक्र का डिफिनेशन है पहला शुक्र शुद्ध शुक्लम गुरु स्निग्ध मधुरम बहल बहु गृत माक्षिक तैलाय व संदभाया। ठीक है मन है तो याद रखिए नहीं तो नहीं। शुक्ल शुक्ल मतलब व्हाइट इन कलर, गुरु हैवी स्निग्ध अनकॉन्सिक्यूसनेस मधुर स्वीट बहल ठीक, और बहु मोर इन क्वान्टिटी। ठीक है अब बात करते घृत माक्षिक तैल भाव। ठीक है रिसेम्बल आइदर घृत मक्षी तेल भाव का मतलब क्या हो गया रिसेम्बल आइदर तो घी और हनी के तरह होता है। ठीक है अब देखिए टाइम रिक्वायर्ड फॉर द उत्पत्ति ऑफ शुक्र तो आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हर पाँचवें दिन में जो होता है ना शुक्र का फॉर्मेशन होता है, हर पाँचवें दिन में क्या एक धातु का फॉर्मेशन होता है। ठीक है तो सातवां धातु शुक्र होने की वजह से क्या 30 दिन लगता है शुक्र के फॉर्मेशन में। ठीक है और इसको 315 काला दिया हुआ है याद नहीं रखना है। ठीक है अब बात करते हैं शुक्र प्रतिभाव काल मतलब शुक्र शुक्र जो होता है ना प्रादु तो भाव काल मतलब क्या होता है जैसे देखिए इसमें क्या कहते हैं जैसे क्या होता है यथा ही पुष्प मुकुलभ्य सुगंध नोपलभ्यते लभ्यते तत्विकास्तु तथा शुक्र ही देही नाम। जैसे देखिए होता क्या है कि जैसे जैसे क्या होता है फ्लावर बर्ड जो होता है ना पॉसिबल टू से द फ्रेगनेंस गंध जब आती है ना फ्लावर बर्ड से जब उसका जब वो फ्लावरिंग होता है तो ठीक है फिर फ्रेगनेंस क्या होता है स्पेसिफिक पीरियड के बाद बंद हो जाता है। ठीक है उसी तरह से शुक्र जो होता है ना मैच्योरिटी ऑफ एज एंड इन फीमेल इट इज़ कैरेक्टराइज बाई अपियरेंस ऑफ लाइन ऑफ हेयर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के टाइम पर दिखता है। ठीक है हमेशा शुक्र नहीं दिखता शुक्र का स्थान कहाँ होता है देखिए तो शुक्र क्या होता है सर्व शरीर व्यापनी मतलब कहने का मतलब शुक्र ये सलोक याद नहीं रखना है आपको। ठीक है शुक्र मतलब सर्व शरीर व्यापनी मतलब पूरे बॉडी में हो जाता है। ठीक है कैसे जैसे क्या होता है कि शुगर कैन में जूस प्रजेंट होता है घी किस में प्रजेंट रहता है कर्ड में उसी तरह से वाइल जो होता है सिस्मिक सीड में प्रजेंट रहता है उसी तरह शुक्र जो होता है ना हमारे पूरे बॉडी में प्रजेंट रहता है सिर्फ ये बात याद रखना है। ठीक है सलोक मत याद रखना। ठीक है अब शुक्र धातु के कार्य ये इंपॉर्टेंट है ये 2-3 बार तो पूछे जा चुके हैं। ठीक है और पीजी में भी इसके क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले से। ठीक है तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं शुक्रम धैर्य धैर्य का मतलब कोरेज ये वर्ड भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बहुत जगह यूज होगा धैर्य धैर्य मतलब कोरेज चयवना मतलब क्या होता है डिस्चार्ज काउजिंग टू फॉल प्रीति प्रीति का मतलब क्या होता है लव देह बलम मतलब क्या फिजिकल स्ट्रेंथ वो दिखा देता है हर्ष हर्ष मतलब प्लेजरेबल और विजार्थ मतलब क्या होता है मिंट फॉर रिप्रोडक्शन मतलब समझ में आ गया ना। हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ शुक्र शुक्र का इंपॉर्टेंट क्या होता है तो देखिए शुक्र का इंपॉर्टेंस समझिए शुक्र इज अ मोस्ट वैल्यूएबल इसेंस ऑफ बॉडी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ठीक है मोर वैल्यूएबल कहने का मतलब कहते हैं आहार रस का सार होता है। ठीक है और ये प्रोड्यूस होता है क्या सेल्फ कंट्रोल प्रोड्यूस्ड बाई सेल्फ कंट्रोल पर्सन में। ठीक है द बॉडी दस प्रोटेक्टेड बाई शुक्र केयरफुल्ली प्रिजर्व बिस्टो एक्सीलेंट प्रोजेनी जो मतलब प्रॉपरली प्रिजर्व करके रखता है उसका प्रोजेनी जो बच्चे जो होते हैं ना बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है और शुक्र छय का कारण शुक्र छय का कारण है सलोक को समझिए क्योंकि ये सलोक इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीजी में यहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक है मैं पीजी का क्वेश्चन देख रहा था तो उसमें ये क्वेश्चन है। ठीक है 18 में जब पीजी का क्वेश्चन है उसमें पूछा जरा
जरा का मतलब होता है ओल्ड एज। चिंतिया, चिंतिया मतलब चिंता, वरी। शुक्र, शुक्र मतलब शुक्र हो गया। व्याधि भी, व्याधि भी मतलब डिजीज के कंडीशन में। कर्म कर्षनाथ, कर्म कर्षनाथ में ओवर एक्सर्शन। क्षय, क्षय होगा किसका, क्षय, क्षय गच्छ। तेन नसनाथ स्त्री नाम, च अति वेशनाथ अस मतलब क्या था स्त्री, सेक्सुअल एक्टिविटी में ज़्यादा इंजल्ट होना। और च अति नि सेवनाथ मतलब क्या था, अब ज़्यादा मतलब कि फास्टिंग करना, ठीक है। इसके वजह से क्या हो जाएगा, क्षय हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्या, देखिए स्टेमिना अति सेवतम मतलब कि एक्सेसिव इंटेलिजेंट भी देवन। उसके क्षय, क्षय मतलब इमेसिएशन, भय, भय मतलब फियर हो गया। और विश्रम्भ और सस्पिकेशन, शोक, ग्रीफ। स्त्री दोष दर्शनात मतलब विटनेस फॉल्ट ऑफ वोमेन। निर्माण असन अरसजान, ठीक है, मतलब नो एक्साइटेशन ऑफ फीमेल पार्टनर। और भी विक्षर विच्छर्द सेवनात मतलब सेंस ऑफ पैशनेट सेक्सुअल लव डिटर्मिनेशन, ठीक है। अब शुक्र क्षय के लक्षण क्या होते हैं, शुक्र क्षय होगा तो क्या होगा, देखिए शुक्र क्षय का लक्षण क्या, हम जब धातु पढ़ाएंगे आपको फिजियोलॉजी में तो वहाँ भी शुक्र क्षय के लक्षण दिखेंगे, यहाँ भी। तो आपका मन, आपको मैं तो कहूँगा यहीं पर याद कर लो। तो शुक्र क्षय होगा तो क्या, शुक्र क्षय होगा तो मेड वृष्ण वेदना मतलब मेड 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 वृष्ण वेदना मतलब मेड मतलब कहते हैं पेन इन मेद्र, मेद्र मतलब पेनिस। और वृष्णा मतलब स्क्रोटम मतलब किसमें पेन होगा। अशक्ति मैथुन अशक्ति की, अशक्ति मैथुने मतलब मैथुने अशक्ति हो गया, लोस ऑफ सेक्सुअल पावर। उसके बाद क्या, चिरात परसेक, चिरात परसेक मतलब डिलेड डिस्चार्ज, स्पर्म का डिस्चार्ज डिलेड होगा। उसके बाद परसेक च अल्प रक्त शुक्र दर्शनम मतलब क्या होता है, शुक्र जब स्पर्म रिलीज होगा ना तो उसमें थोड़ा सा अमाउंट में ना ब्लड आ जाएगा, ठीक है। अब शुक्र वृद्धि का लक्षण क्या था, शुक्र शुक्र अस्मरी अपि, शुक्र शुक्र अस्मरी अति प्रदु भाव च मतलब क्या था, शुक्र की वृद्धि की वजह से क्या था, शुक्र अस्मरी हो जाएगी। शुक्र अस्मरी मतलब क्या था, सेमिनल कैलकुलस और अति प्रदुभाव, ठीक है। एक्सेसिव डिस्चार्ज होता है, शुक्र एवं शुक्र स्मरी अति स्त्री कामता। एक जगह आचार्य चरक ने कहा कि अति स्त्री कामता हो जाएगी, मतलब अगर स्पर्म का शुक्र की ज़्यादा वृद्धि हो गई तो अति स्त्री कामता और शुक्र स्मरी हो जाएगी, ठीक है। अब अष्ट दोष ऑफ शुक्र, शुक्र का जो अष्ट दोष होता है, हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये सिलेबस से थोड़ा बियॉन्ड जा रहे हैं लेकिन फिर भी कर लेते हैं। फेनील, फेनील तनु रुक्ष च विवृत प्रतिपिक्षलम अन्यथा धातु संस्टिता अवसादी तथा अष्ट्रियम मतलब कि एट एबडोमिन एबनॉर्मिलिटी होता है शुक्र का, ठीक है, जिसमें एट एबनॉर्मिलिटीज में क्या होता है, अवसादी तथा अष्ट्रियम मतलब एट एबनॉर्मिलिटी होती है। इसमें क्या होता है, जरा, जरा मतलब ओल्ड एज में चिंता, वरी, व्याधि, कर्म कर्षण, ओवर एक्जर्शन ज़्यादा हो जाता है। तो फेनिल, फेनिल का मतलब होता है फ्रोदी, झाग। जो देखिए स्पर्म किस किस परसेंट, देखिए जब आप डॉक्टर्स बनोगे तो जब जैसे जैसे क्या होता है, इंपोटेंसी का केस आपको मिलेगा या सेक्सुअल विगर का केस मिलेगा तो उस केस में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान स्पर्म जब कलेक्ट करते हैं तो आप अभी तो बहुत अच्छा आ गया कि स्पर्म काउंट करा लो पेशेंट से, सीमेन एनालिसिस टेस्ट करा लो, अच्छे से पूरा पेशेंट का रिकॉर्ड पता चल जाता है। लेकिन बाय द वे आपके पास वैसे सुविधा ना हो कि सीमेन एनालिसिस टेस्ट कराओ तो आप कैसे पहचानोगे, हजारे के समय में तो ऐसा कुछ सुविधा नहीं था। तो फेनिलम, फेनिलम मतलब क्या होता है, फेनिलम मतलब होता है झाग, क्या होता है फेनिलम मतलब झाग। तनु रुक्षा, तनु, तनु मतलब क्या, तो थीन हो जाना, रुक्षा रुक्षा मतलब रफ हो जाना। च विवर्णा, विवर्णा मतलब क्या होता है, विवर्णा मतलब क्या होता है, एबनॉर्मल कलर हो जाता है, ठीक है। प्रतिपिक्षिलम, प्रतिपिक्षिलम का मतलब क्या होता है, देखिए पिछलिमी हो गया, ठीक है। और अन्य धातुपन शिष्ट अवसादी तथास्था मतलब चिंता, अवसाद, अवसाद मतलब चिंता, ठीक है। व्याधि होना, अवसादी मतलब व्याधि होना, ठीक है। और क्या है, कर्म कर्षण होना, जरा होना, बूढ़े एज होना। और क्या था, अवसादी मतलब क्या था, सिंक हो जाना, प्लेस्ट ऑवर द, ये सब कंडीशन में होता है, ठीक है। अब आज सुश्रुत संहिता में ये लिखा हुआ है कि जो अष्ट दोष जो होता है शुक्र का वो किसके कंसिडर, किसके वजह से हो सकता है, तो बात पित्त कफ के वजह से, उसके रक्त की वजह से, बात पित्त, पित्त कफ, बात कफ और सन्निपात, तीनों के वजह से होते हैं। मतलब आठ तरह से जो होता है ना शुक्र दूषित हो सकता है, ठीक है, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। आर्तव, आर्तव क्या होते हैं, आर्तव को साइनोनिम्स पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन में, तो साइनोनिम्स ऑफ आर्तव, तो आर्तव, सोनित, आश्रिक, रज, रक्त, ये वर्ड जो होता है ना यूज डिनोट देयर रिप्रोडक्टिव सेल, मेंस्ट्रुअल ब्लड, ठीक है। आचार्य चरक ने आर्तव को क्या किया, उपधातु ऑफ रस, रस के उपधातु माना है, ठीक है। रसात तने ततो रक्त मसीज कंट्रा सिरा मासद वसा त्वचा सट मेधा ससनायु संभव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, रस का जो स्तन्य और आर्तव को ना उपधातु कंसीडर किया, ठीक है। आचार्य सरंगधर ने रज को ना उपधातु कंसीडर किया रक्त को, ठीक है। आर्तव का स्वरूप, आर्तव के स्वरूप क्या होते हैं, देखिए आर्तव सोनितु अगण्यम, आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि अग्नि महाभूत प्रीडोमिनेंस होता है, ऋतु,
ऋतु भवम अर्तवम। मतलब अरुण दत्त ये कहते हैं अष्टांग हृदय के जो टीकाकार है उन्होंने कहा है कि आर्तव जो होता है ना वो डिस्चार्ज पीरियोडिकली फ्रॉम बॉडी, ठीक है। अब बात करते हैं कि आर्तव जो होता है ना प्रोड्यूस होता है फ्रॉम रस से, इज नोन एज रक्त या रज, ठीक है। ये प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आर्तव बिगिंस 12 साल से लेकर के 50 साल तक के लिए था, जो कि मॉडर्न में भी एक्सेप्टेड है इस चीज़ को, ठीक है। अब वर्ड रज रेफर्स टू द ब्लड फ्लोइंग एवरी मंथ फ्रॉम स्त्री योनि से आता है, ठीक है। अब बात करते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लड जो अश्रिक जो आता है, मेंस्ट्रुअल ब्लड जो होता है ना बिगिंस टू फ्लो फ्रॉम द एज ऑफ 12 इन शरीर धाव एंड स्टेट ऑफ ग्रोथ एंड स्टॉप एज द 50 एज बाय दिस एज 3 बाय डिप्लेशन ऑफ धातु फुट जरा ओल्ड एज आ जाती है तब, ठीक है। अब बात करते हैं क्या मासनुपचित ये कहना चाह रहे हैं, तो इसे भी याद नहीं रखा। आर्तव सोनी तू अगन्य मतलब आर्तव क्या होता है, अग्नि महा उत्पीड डोमिनेट्स होता है और लॉन्ग विद शुक्र हुई सोम गुण हो जाता है, सूत को दोनों को मिला देते क्या सोम गुण हो जाता है, ठीक है। आर्तव जो होता है इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ गर्भ, शुक्र और सोनित मिलकर गर्भ का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब बात करते हैं बीजम स्त्री पुंसी हो आवर्त शुक्र आवर्त इज कंसिडर एज स्त्री बीज कंसिडर करते, ठीक है। ये भी बात सही है, लेकिन अभी तक अब देखो जो मैं इंपॉर्टेंट टिक लगा रहा हूँ उसे याद रखना। शुद्ध आर्तव के लक्षण इसको तो याद ही रखो, सासा श्रीकम प्रतिमम यदु यदवा लक्षार्थम तदार्थ प्रसंस्थिति यदवास्य न विरज्यते। मतलब कहते हैं सासा श्रीकम आर्तव विच इज रिसम्बल टू कलर ऑफ सासा श्रीकम, मतलब रैबिट्स ब्लड लिक्विड सेलेक्ट एंड दैट डज नॉट स्टेन द क्लॉथ इज ग्रेटली प्रेस्ड, ठीक है। अब फिर बोलते हैं कि गुंजा फलम स्वर्णम च पद्मालक्तम सन्निभम इंद्रगोप संकार मार्तम शुद्धम आदि रोध, ये श्लोक को याद रखना है, आगे वाला दोनों लाइन को याद मत रखना, ठीक है। तो आर्तव जो अपीयर्स होता है एवरी मंथ में हुई इज डिवाइड ऑफ सिलिविनियस बर्निंग सेंसेशन नहीं होता है, पेन नहीं होता है, हुई आर कंटिन्यू इन 5 नाइट 5 दिन तक लगातार रहता है, ठीक है। कुछ नाइदर एक्सेसिव नॉट सेंटी इट इज कंसिडर एज शुद्ध सिमिलरली आर्तव हुई इज द कलर ऑफ गुंजा फल, ठीक है। पद्मक गुंजा फल की तरह दिखता है, पद्मक की तरह दिखता है, लक्ष्य इंद्रगोप जो रेड वेलवेट माइट होता है उसके तरह दिखता है, ठीक है। जो शुद्ध कंसिडर करते तो शुद्ध शुक्र का श्लोक पूछेगा तो उसको लिखना है, ठीक है। इंद्रगोप संकार मार्तम शुद्धम आतिर होता वाला श्लोक लिखना है। अंत पुष्प और बाह्य पुष्प, ठीक है। तो ये देखिए अंत पुष्प और बाह्य पुष्प ये हो गया। द वर्ड अंत पुष्प क्या था, द्वादश शब्दे व्यतीते तू यदि पुष्प वाहिनी अंत पुष्प भवत्येत पंसोद अंबर आदि वत, मतलब काम सूत्र का ही याद नहीं रखना है, ठीक है। वर्ड अंत पुष्प के रेफर टू द फैक्टर इंपॉर्टेंट ऑफ द फर्टिलाइजेशन है प्रजेंट इन साइड द which does not appear externally like flower of panas and amber which does not manifest externally the anta puspa refers to ovum kehte, theek hai। और तथा पुष्प दर्शन है प्रथम दिवस प्रभृति इट कॉन्टेक्स्ट टू द ऋतुमतीचार्य, ठीक है। ऋतुमतीचार्य के अकॉर्डिंग कहते हैं जो वर्ड पुष्प दर्शन मतलब क्या है, हेयर पुष्प रेफर टू वही पुष्प जो मेंसुरल फ्लो की बात करते हैं गर्भदान क्या होता है जब मैन शुक्र और क्या होता है शुक्र और सोनित जब क्या होता है कि जो पीरियड में जो ऋतुकाल होता है ना उसमें कंजुगेशन होता है शुक्र और सोनित का कहाँ पर गर्भाशय में तो गर्भ का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये बीच में नहीं पढ़ना है, ठीक है। रोल ऑफ त्रिदोष फिटल डेवलपमेंट में त्रिदोष का रोल ये पूछा जा चुका है शुक्र सोनित ये पूछा रोल ऑफ त्रिदोष इन फिटल डेवलपमेंट कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। शुक्र सोनित संयोग भोव दोष भो योव्य दोष यत्कृत प्राकृति जायते तेन तस्या में लक्षण गुण श्रृणु हुई एवर द दोष दैट इज प्रीडोमिनेंट एट द टाइम ऑफ यूनियन ऑफ शुक्र एंड सोनित द प्रकृति ऑफ द पर्सन गेट फॉर्म फ्रॉम दैट दोष आज, मतलब क्या था शुक्र सोनित के संयोग के समय जो दोष जो हो डोमिनेट होगा ना वही प्रकृति डिसाइड करेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है गर्भ का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। यह प्रकृति का डिसाइड इसी टाइम में होती है, ठीक है। फिजिकल कैरेक्टर जो ठीक है त्रिदोषा परजेट होता है शुक्र और आर्ता में जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके प्रोडक्शन के लिए तो गर्भ के प्रोडक्शन के लिए क्या त्रिदोष रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब विशिएटेड त्रिदोष रिस्पॉन्सिबल होता है अब नॉर्मेलिटी ऑफ गर्भ, ठीक है। मतलब त्रिदोष अगर प्योर हो तो अच्छा गर्भ का फॉर्मेशन होगा, अगर इम्प्योर हो तो विशिएटेड होगा और एवर्सन हो जाता है मिसकरेज हो जाता है, ठीक है। अब दिस अब बात करते हैं ये जो रोल ऑफ पंच महाभूत इन फिटल डेवलपमेंट तो जो श्लोक मैं कहूँगा उसी श्लोक को इसमें याद रखना है, ठीक है। सारे श्लोक उन्हें याद रखने हैं, ठीक है। सिर्फ ये श्लोक याद रखना, ठीक है।
देखो क्या होता है, शुक्र सोनित गर्भाशय अस्तमा प्राकृतिक विकार समुचिता गर्भ इत्युच्यते। उसके बाद यहाँ से लिखना है त्वम चेतना व्यवस्थितम। त्वम चेतना, चेतना जिसमें अवस्थित होता है, ठीक है। वायु विभर्जितम, वायु क्या करता है, विभाजन का काम करता है। वायु महाभूत हेल्प करता है किसमें, विभाजन, यानी बॉडी का पार्ट्स का जो डिवीजन होता है वो वायु महाभूत करता है। तेज एन पचति, जो अग्नि महाभूत होते हैं ना, पाचन करता है, मैच्योरिटी लाता है बॉडी में, ठीक है। आप क्ले दयंती, आप क्ले दयंती मतलब क्या होता है, आप मतलब जल, जल महाभूत क्या करता है, क्लेदन करता है, ठीक है। पृथ्वी सहंती, जो पृथ्वी महाभूत होता है ना, वो क्या करता है, संवहन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। आकाश विवर्धयति, आकाश क्या होता है, कम्पैक्टनेस लाता है, विवर्धन लाता है, ठीक है। एवं विवर्धि सद यदा हस्तपाद जीवा, हाथ पैर जीवा, घर्ण कर्ण घरान नाक कान नितंब आदि ये सब प्रोड्यूस होता है। अंग रूपे तस्यदा शरीर इति संज्ञा, मतलब ये सब जो होता है ना, सब मिला करके क्या शरीर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, जो गुण की बात करते हैं, आपको मन है तो याद कीजिए, नहीं कीजिए, नहीं मन है तो नहीं याद कीजिए, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि कोई ज़रूरी नहीं, ये भी सलोक याद नहीं करना है, ये भी याद नहीं करना है, ठीक है। ये जो शरीर स्पंदन, ये नहीं याद रखना है। अब क्वेश्चन आता है बीज, बीज भाग और बीज भाग के अव्यव, द कंसेप्ट ऑफ बीज, बीज भाग और बीज भाग अव्यव फॉर्म बाय द बेसिस ऑफ जीनेटिक कंसेप्ट ऑफ आयुर्वेद। देखिए द वर्ड बीज रेफर्स टू शुक्र और सोनित, दो मार्क्स में पूछा जा चुका है बीज और बीज भाग। तो बीज मतलब क्या, शुक्र और सोनित हो गया। और बीज कंटेन द फैक्टर व्हिच आर, व्हिच द फ्यूचर माइनर, फ्यूचर माइनर एंड मेजर पार्ट ऑफ द बॉडी डेवलप होता है, उस फैक्टर को क्या बोलते हैं, बीज भाग बोलते हैं। ये पूछा हुआ है क्वेश्चन कि व्हाट इज द बीज भाग, माइन्यूट पार्ट ऑफ दिस बीज भाग इज नोन एज बीज भाग अव्यव बोलते हैं। तीनों क्लियर हो गया, बीज, बीज मतलब शुक्र और सोनित जो हुआ वो बीज हो गया, ठीक है। और बीज जो होता है ना, फैक्टर जो कंटेंट रखता है, जो फ्यूचर में माइनर और मेजर पार्ट बनाता है बॉडी का, उसको हम क्या बोलते हैं, बीज भाग बोलते हैं। और माइन्यूट पार्ट जो बीज भाग का जो होता है, उसको बीज भाग अव्यव बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, मनुष्य बीज इज द कोलेक्टिव एग्रीगेट ऑफ मनी बीज भाग विच प्रजेंट इन द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स इन द सबटल फॉर्म, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन ऑफ मनुष्य विद सिमिलर फीचर, ठीक है। इफ द पार्ट ऑफ बीज जो है ना, पार्ट ऑफ बीज रिस्पॉन्सिबल फॉर्मेशन ऑफ पार्टिकुलर अंग रीजन अवयव इज विशिएटेड, द रिजल्ट इन द विशिएशन ऑफ रिस्पेक्टिव अंग, उसमें एबनॉर्मिटी आ जाती है अगर उसमें कुछ तरह का विशिएशन हो तो, दूषित हो जाए तो। लिंग भेद मतलब देखो ये क्या, तो सेक्स डिटर्मिनेशन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद कंसेप्ट पूछे तो आपको बताना होगा। अगर क्या होगा, मॉडर्न का तो अलग होता है, आयुर्वेद का अलग होता है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट 50 मार्क्स वाले पूछे तो आयुर्वेद का कंसेप्ट आपको लिखना होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे शुक्र आर्तव बहुल्य, मतलब क्या होता है, इस पहले श्लोक में सारा क्लियर हो। तत्र शुक्र, शुक्र बहुल्यात पुमान, मतलब शुक्र बहुल्यात होगा तो पुमान, पुमान मतलब क्या होता है, मेल मतलब लड़का। आर्तव बहुल्यात स्थिति, अगर आर्तव बहुल्यात हो गया तो स्त्री होगा। और सामध्य सम्याद्युभ्य तो नपुंसक मिति, अगर दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में हो गया तो क्या हो जाएगा, जो बेबी जो होगा वो क्या होगा, नपुंसक मिति हो जाएगा, ठीक है। वेस्टर्न मैथुन काल, जो मैथुन काल पे भी सेक्स डिसाइड करता है, ठीक है। मतलब कॉपुलेशन परफॉर्म अगर इवेंट, मैथुन काल मतलब किस पीरियड में आप कॉपुलेशन करते हो, सलोक याद मत रखना, ठीक है। जैसे क्या था, इस सलोक में वही जो कहना चाहते हो मैं समझा देता हूँ। कॉपुलेशन फॉर्म इवेंट डेज में, जैसे कि 4, 6, 8, 10, 12 जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो डेज होता है उसमें अगर करे तो क्या होगा, इवेंट डेज में मेल होगा, ठीक है। और कॉपुलेशन परफॉर्म ओड डेट, ओड में डी आ रहा है तो डी से क्या होता है, डॉटर, डॉटर से क्या होता है, गर्ल्स यानी फीमेल आएगा अगर मेंस्ट्रुअल डेज में, ओड डेज में। क्या शुक्र आर्तव विसर्ग, ठीक है। ड्यूरिंग कॉपुलेशन अगर शुक्र एक्सपेल इनिशियली देन मेल चाइल्ड अगर हु इज स्टेबल विद गुड स्ट्रेंथ इज बॉर्न। सिमिलरली इफ आर्तव अगर एक्सपेल अगर पहले हुआ तो ब्यूटीफुल बिल्ड ब्यूट फीमेल चाइल्ड बॉर्न होगा, ठीक है। और आहार विहार लक्षण ऑफ गर्भिणी, मतलब क्या होता है, प्रेग्नेंट वोमेन के जो होता है ना, जैसे हुम मिल्क अपीयर्स इनिशियली इन राइट चेस्ट। देखो प्रेग्नेंट वोमेन में अगर मिल्क अपीयर्स हुआ राइट चेस्ट में ना, तो राइट चेस्ट में और प्रीडोमिनेंस ऑफ राइट हाफ ऑफ एब्डोमिन अपीयर्स करेगा, तो थ्रोम्बिंग पेन इनिशियली इन राइट लोअर लिम्ब में, अगर पहले लोअर लिम्ब में हो, विल बी गेट एफेक्सिनेट टू वार्ड द विच बियर्स द नेम ऑफ मस्कुलिन जेंडर, ठीक है। और लेडी ऑब्जर्व द प्लांट्स विच बियर्स द नेम ऑफ मस्कुलिन जेंडर लाइक द पद्म, ठीक है, पिस्टिया सेरेटिस, उत्पला, कुदुम्बा और क्या अमृतका ETC, तो फेस ऑफ कलर प्रजेंट होता है ना, तो क्या होता है कि बर्थ तो क्या फीमेल चाइल्ड हो जाएगा, ठीक है। और अगर राइट साइड में सब कुछ हुआ, राइट थाई में दर्द हुआ, राइट ब्रेस्ट में जैसे पहले मिल का है तो मेल चाइल्ड, और अपोजिट में तो फीमेल, हालांकि ये एक्सेप्टेड नहीं है, अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ये वीर्योत्सर्ग और नारी, देखिए क्या होता है, पहले के समय क्या था, नारी के आधार देख करके बता देते कि मेल है कि फीमेल है, ठीक है।
देयर आर थ्री नारी इन द वैगिना ऑफ वुमन, नेमली क्या, समीर नर और चंद्रमुखी और गौरी, तीन तरह की नारी होती है, ठीक है, समीर नर, चंद्रमुखी और गौरी। द शुक्र डिपोजिटेड इन द समीर नर विल नॉट बियर फ्रूट, द शुक्र डिपोजिटेड इन चंद्रमासी, चंद्रमासी नारी में हुआ तो रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ फीमेल चाइल्ड, मतलब चंद्रमासी में फीमेल, चंद्रमासी मासी किसमें किसको फीमेल को बोलते हैं, और शुक्र जो था डिपोजिटेड गौरी नारी में हुआ तो क्या था, फॉर्मेशन ऑफ मेल चाइल्ड होगा, ठीक है, गौरी, ठीक है। बेस्ट ऑन पुंसवन, पुंसवन कर्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर्म है, पुंसवन कर्म, ठीक है, पुंसवन कर्म जो होता है प्रोसीड्यूर होता है जो डिजायर्ड सेक्स अपटेन होता है, पुंसवन डिजायर्ड मेल चाइल्ड प्राप्त होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ऑन द डे ऑफ पुष्य नक्षत्र प्रेग्नेंट लेडी शुड बी ऑफर ड्रिंक कर्ड विद आइदर टू धान्य मास या श्वेत सर्प या टू बर्ड्स ऑफ न्याय ग्रोथ, जो बनाइन ट्री का न्याय ग्रोथ होता है ना उसको कलेक्टेड करते हैं स्टर्न ऑफ नर्दर साइड ऑफ ट्री, मिल्क वाइल्ड करते हैं किसके था, पेस्ट ऑफ जीविका रस्म का अपमार्ग सचार है शुड बी गिवेन टू प्रेग्नेंट वुमेन को देना चाहिए, ठीक है। ऑन द डे ऑफ पुष्य नक्षत्र के दिन प्रेग्नेंट लेडी को इज टू बी मैड ड्रिंक ऑफ अंजलि ऑफ वाटर एडेड टू द कूरा क्रिया और मत्स्य का स्मॉल फिश। उसी में क्या होता है कि जैसे अब जो अपने आपके बुक में जो अभी 12th जो BMS फर्स्ट ईयर के बुक में जो मेंशन है वो ये मेंशन है, ठीक है, लास्ट वाला लाइन, ठीक है, क्या द कंसेप्शन नोन हैव टू टेक एन प्लेस सेम डेज, उसी दिन क्या करना है, थ्री या फोर ड्रॉप जो कंसेप्शन इज नोन टू हैव टेक एन प्लेस, कंसेप्शन हो गया तो उसी दिन सेम डेज थ्री से फोर ड्रॉप जो होता है ना स्वरस, स्वरस किसका, लक्ष्मण वात्सरंग सहदेव और विश्वदेव का, ठीक है, जिसके ट्रंक्चर ट्रिंक्चर कर देंगे किसमें, मिल्क के साथ, और तब अगर राइट नॉस्ट्रिल में डालेंगे वोमेन में तो सन डिजायर्ड होगा और उसको स्वालो करना है, इट शुड नॉट स्प्लिट, बाहर की तरफ नहीं फेंकना है। अब गर्भ उत्पादक सामग्री कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, तो गर्भ उत्पादक सामग्री में फोर फैक्टर होता है, ठीक है, एक होता है ऋतु, क्या होता है ऋतु, तो ऋतु ऋतु हो गया एक, ऋतु मतलब क्या होता है, पीरियड फेवरेबल फॉर कंसेप्शन, ऋतुकाल इज कैन बी कंसिडर एज कॉन्टेक्स्ट, ऋतु वस्तु द्वादश रात्र भवति दृष्टार्थव अदृष्टार्थव आत्यतित्य के वसंते, मतलब ऋतु इज द पीरियड इन विच द फीमेल गैमिट इज एक्सपेल्ड, द पीरियड ऑफ ऋतु क्या होता है 12 days होता है, ठीक है, काउंटेड कंसिडर काउंटेड कब से करते हैं फ्रॉम 6 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, छठे दिन से काउंट करते हैं, ठीक है, एवं देम फर्स्ट थ्री और सेवेंथ डेज मस्ट बी एक्सक्लूडेड, ठीक है, विच आर नॉट फेयर फॉर कंसेप्शन, द वर्ड दृष्टार्थव, दृष्टार्थव मतलब क्या होता है सिग्निफाइज मेंसुरेशन को कहते हैं, ठीक है, सम आचार्य का ये मानना होता है, कुछ आचार्य ये मानते हैं मेंसर्ड इज नॉट विजुअल इन द वोमेन, ठीक है, दस द ऋतु कैन बी कोरिलेट ओवुलेटरी पीरियड, ठीक है, ऋतु प्रॉपर एज टू हैव कंसेप्शन, द सेकेंड मीनिंग ऑफ ऋतु इज द साइट ऑफ द एज वेट कंसेप्शन, सुश्रुत एक्सप्लेन करते हैं क्या, प्रॉपर टाइम ऑफ गर्भधारण काल बोथ मेल एंड फीमेल को ऋतु मानते हैं, तो अलग अलग का अलग माना है, लेकिन आपको ऋतु का मतलब है 12वें दिन मेंसुरेशन के बाद जो 12वां दिन होता है ना वो मेंसुरेशन क्या लोग है। ऋतुमती का लक्षण क्या होता है, देखो ऋतुमती का कहते हैं लक्षण ऑफ लेडी हु हैव ऋतु काल चल रहा है तो उसका पता कैसे चलेगा, देख के फ्लेसी और प्लेजेंट फेस होगा, ठीक है, मॉइस्ट टीथ और गम होगा, डिजायरस ऑफ मेल एंड फाउंड इन हेंटिक स्टोरी, फीलिंग ऑफ ड्रॉपिंग डाउन ऑफ कुसी एब्डोमेन और अक्षी और मुर्धा, ठीक है, हेयर, ठीक है, फील्स थ्रोबिंग ऑफ भुजा, शोल्डर को थ्रोबिंग करते रहे, कूचा वेस्ट सोरोनी नाभि उर्वात जाघन और स्पिक, जेंटली इंटरेस्टेड टू सीकिंग हैप्पीनेस, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, अम्बु दूसरा क्या ऋतु, क्षेत्र, क्षेत्र हो गया ऋतु, क्षेत्र, क्षेत्र का क्षेत्र गर्भाशय, जो क्षेत्र मतलब गर्भाशय, रिगार्डिंग द फर्स्ट मीनिंग इट कैन बी रिलेटेड बोथ सेक्स इन फीमेल, द फील्ड रेफर टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच इंक्लूड वैगिना यूटेरस फैलोपियन ट्यूब और ओवरी, ठीक है, क्षेत्र को हम जनरली गर्भाशय कंसीडर डलन करते हैं, ठीक है, और इन मेल इट रेफर्स टू मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यूरेथ्रा प्रोस्टेट सेमिनल वेस्किल, ठीक है, भाषा डिफरेंस है एपिडर्माइस और टेस्टिस, ठीक है। अंबु, अंबु मतलब क्या होता है जल, न्यूट्रिशियस फ्लूइड की बात करते हैं अंबु, ठीक है, तो मेल और मेल क्या होता है अंबु, अंबु क्या होता है एज द अंबु क्या होता है न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करता है फ्लूइड विच न्यूरिश द बिफोर फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन को कंसिडर करते हैं। मेल में फ्लूइड जो होता है ना सेमिनल वेस्किल और प्रोस्टेट फ्लूइड होता है जो न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको स्पर्मेटोजोआ को और उसी को कंसिडर करते हैं हम अंबु। फीमेल में हार्मोन जैसे FSH LH प्रोजिस्टेरोन एस्ट्रोजन जो रिस्पॉन्सिबल होता है ओवेरियन फोलिकल के लिए उसको अंबु बोलते हैं। बीज वर्ड मीनिंग ऑफ बीज इज सीड होता है, ठीक है, बीज का मतलब क्या शुक्र और सोनित या शुक्र और आर्तव होगा, ठीक है,
दिस टॉपिक एक्सप्लेन द रिगार्डिंग हाउ गर्भ इज ग्रेजुअली इन ओवन, कैसे मतलब गर्भ का मतलब कि मासानुमासिक गर्भ वृद्धि कर्म, ये भी कई बार पूछा जाता है, मासानुमासिक गर्भ वृद्धि कर्म ऐसे पूछ देगा, या डेवलपमेंट ऑफ फीटस बताइए, तो उसमें क्या हो जाएगा कि इस टॉपिक में कहते तत्र प्रथम मासिक कलल जायते, जो फर्स्ट मंथ में गर्भ जो होता है ना वो कलल बनता है, यानी सेमी सॉलिड मास बन जाता है, ठीक है, या नसल डिस्चार्ज के जैसा बनेगा, जैसे नाक से नहीं निकलता है नसल डिस्चार्ज, वैसा फर्स्ट मंथ में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फर्स्ट मंथ में क्या होता है, इंट्राइंट्राइलाइट में क्या होता है, आत्मा जो होता है ना कंप्लीट होता है, गुण टेक्स गर्भ का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इन द मंथ ऑफ गर्भ विल बी फॉर्म खेत जेली, खेता मतलब जेली, बिकॉज इंटीमेट मिक्सचर ऑफ ऑल धातु, इन द फर्स्ट मंथ इम्ब्रियो डज नॉट बियर एनी फॉर्म, ऑल द बॉडी पार्ट्स आर प्रेजेंट इन सबटल फॉर्म, पूरे बॉडी सबटल फॉर्म में होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, द्वितीय मास में क्या होता है, द्वितीय मास में क्या होता है, ड्यू टू एग्रीवेशन ऑफ महाभूत व्हिच गेट पाक बाय शीत उस पर अनिल, इन द सेकेंड मंथ ऑफ गर्भ एटेन फ्रॉम गुड ए हार्ड मास, ए हार्ड मास में बन जाता है, अगर मास अगर पिंड के फॉर्म में हो गया, जैसे पिंड मतलब राउंड फॉर्म में हो गया, तो जो होता है मेल फीटस होगा, जैसे बच्चों को ओवन का क्या होगा, एब्डोमिन का साइज हाथ रख के फील करोगे ना, तो पिंड की तरह आपको अगर दिख गया तो जो चाइल्ड होगा वो कैसा होगा, पिंड की तरह दिखा तो चाइल्ड मेल फीटस होगा, एकदम कन्फर्म है, मैं बहुत पेशेंट में इसको ऑब्जर्व किया हूँ, ठीक है। इफ इट अज्यूम इलोंगेटेड शेप, इलोंगेटेड शेप हो गया तो फीमेल फीटस हो जाएगा, ठीक है, और अर्बुदा शेप हुआ गया ना तो हर्मोफ्रोडाइट होगा, ठीक है। अब थर्ड मास में, तृतीय मास में क्या होता है, थर्ड मंथ में क्या होता है, फाइव बर्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। जैसे तृतीय मास में क्या होता है, हस्त पाद शीर्षा पंचपिंडिका, मतलब पंचपिंडिका मतलब फाइव बर्ड्स होता है इन द गर्भ, कुछ रिप्रेजेंट करते हस्त, हस्त पाद और सिर, दो पैर दो हाथ और एक सिर को, ठीक है, डिफ्रेंशिएटेड द मेजर एंड माइनर बॉडी पार्ट मैनिफेस्टेड, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, अब चतुर्थ मास में, चतुर्थ मास में क्या होता है, चतुर्थ सर्व अंग प्रत्यंग विभाग, मतलब चौथे मास में क्या होता है, पूरे बॉडी का पूरा पार्ट फॉर्म हो जाता है, ठीक है, मेजर और माइनर बॉडी पार्ट बिकम क्लियरली मैनिफेस्टेड हो जाता है, ठीक है। हृदय किस मंथ में फॉर्म होता है, चौथे मंथ में हृदय फॉर्म होता है, ठीक है। हृदय इज बिंग द सीट ऑफ आत्मा, आत्मा का स्थान होता है, ठीक है। चेतना धातु जो होता है ना एक्सप्रेस होता है डिजायर के लिए, ठीक है। दस द फोर्थ मंथ में क्या होता है, गर्भ एक्सप्रेस करता है डिजायर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस, प्रेग्नेंट वुमेन को दोहदायिनी, दोहदायिनी वर्ड यूज करते हैं, फ्रॉम क्या होता है, फोर्थ मंथ में क्या होता है, दो हृदय हो जाती है, इसलिए दोहदायिनी बोलते हैं, दो हृदय यानी। इन दिस पीरियड डिजायर ऑफ गर्भ इज एक्सप्रेस्ड एज लॉन्गिंग बट बाई नॉट फुलफिलिंग, अगर उसके डिजायर को पूरा नहीं किया तो फीटल का डेवलपमेंट जो होता है ना वो अच्छा एबनॉर्मलिटी आ जाती है, जैसे कुंभजा आ सकते, कूनी आ सकते, खंजा, जदा, बमन मतलब क्या होता है, बमना, बमना मतलब ड्वार्फ, क्या होता है, वृत्तकर्ष, ठीक है, या अनास का होता है, ठीक है। हेंस एवरी डिजायर, हेंस एवरी डिजायर वोमेन शुड बी फुलफिल्ड ओनली आफ्टर गेट फुलफिलमेंट बाय डिजायर गिव बर्थ टू द चाइल्ड हु इज पोटेंट एंड लॉन्ग लाइफ, ठीक है। उसके बाद पंचमास, पंचमास पंचवें महीने में क्या होता है कि जो फिफ्थ मंथ में कहता है मानस जो होता है क्लियरली क्लियरली मैनिफेस्टेड जाता है, ठीक है। फिफ्थ मंथ के समय क्या होता है, नूरिशमेंट होता है मांस और सोनित, जितना मांस सोनित अकर्स एक्सेसिवली कंपेयर टू अदर मंथ, ठीक है, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमन बिकम एमेसिएटेड, मतलब मुंह सूखने लगता है इस महीने, पांचवें महीने में, ठीक है। षष्ठ मंथ में, सिक्स मंथ में क्या होता है, बुद्धि जो विस्डम प्रेसिव्ड देखने को मिलता है, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या था, ये क्या था, एनी मंथ एनी अदर मंथ की तुलना में इस मंथ में क्या होता है, स्ट्रेंथ और कॉम्प्लेक्सेशन ज़्यादा हो जाता है सिक्स मंथ में, ठीक है। और कंस्टेबल डिप्लेशन हो जाता है स्ट्रेंथ और कॉम्प्लेक्सेशन ऑफ प्रेग्नेंट लेडी। सप्तमास, सप्तमास सातवें महीने में क्या होता है कि मेजर और माइनर बॉडी पार्ट बिकम क्लियरली विजिबल हो जाता है, मैनिफेस्टेड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अष्टवें मंथ, अष्टवें मंथ में क्या होता है कि इनस्टेबिलिटी ऑफ ओजस, द डिलीवरी अकर्स इन दिस पीरियड, देन गर्भ डज नॉट सर्वाइव, गर्भ सर्वाइव नहीं करता, क्यों, क्योंकि ऑब्सेंस ऑफ ओजस एंड इफेक्ट ऑफ नैरता ग्रह, ठीक है, डीमन विच स्नेच हिज पोर्सन एंड दिस शुड बी ऑफर राइस कुकड एलॉन्ग विद मीट ऑफ नैरता ग्रह, ठीक है। नैरता ग्रह को राइस कुकड ये सब ऑफर करते उस टाइम कि उस ग्रह को नैरता ग्रह रहती है ना अठवें महीने में, तो क्या था, कुक्ड राइस को ना कुक राइस और चिकन फ्लेश और कुक राइस को बना करके नैरता ग्रह को चढ़ाते हैं हम इसमें, ठीक है। एंथ एट मंथ में क्या होता है कि ओजस जो होता है ना मूव करता है, एट मंथ में क्या होता है, ओजस मूव करता है मदर टू फीटस, एट मंथ में क्या होता है, ओजस जो होता है ना मूव करता है किसे, मदर से टू फीटस में और फीटस टू मदर थ्रू रस रसहिनी चैनल के द्वारा, जैसे नाभिनाल होता है ना उसके द्वारा होता है, ठीक है। फ्रॉम द मदर टू फीटस इमेच्योरिटी ऑफ द फीटस, देयरफॉर दिस मंथ प्रेग्नेंट लेडी विल हैविंग
वेविंग फीलिंग ऑफ ब्लिस एंड डिस्ट्रेस एंड इवन फीटस विच ऑल्सो फील सेम काइंड ऑफ इमोशंस। बच्चों को भी स्ट्रेस फील होता है, मदर को भी स्ट्रेस फील होता है। आठवें महीने में ज़्यादा स्ट्रेस फीमेल को देखने को मिलता है। ठीक है, देखोगे पेशेंट आठवें महीने आपके पास आएंगे। फिर आता है कि नवम मास नवम दशम एकादश द्वादश अन्यथा सिमजते अतो अन्यथा विकार भक्ति विकारी भक्ति। मतलब बर्थ जो है नौवें दसवें ग्यारहवें बारहवें महीने में किसी भी टाइम हो सकता है। प्रेगनेंसी बियॉन्ड 12 मंथ जो है ना एबनॉर्मल होता है। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन जो है टाइम ड्यूरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट डे टू 9 मंथ टिल द एंड। देखे तो टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन ड्यूरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट डे टू 9 मंथ टिल द एंड ऑफ 10th मंथ इज कंसिडर द पीरियड ऑफ पार्चुरेशन। डिलीवरी ऑकर्स यूजुअली ड्यूरिंग दिस पीरियड। रिटेंशन ऑफ द फीटस बियॉन्ड दिस पीरियड इज कंसिडर एबनॉर्मल। गर्भ उत्पादक भाव क्या होता है, गर्भ, अब हम आगे देखेंगे क्या गर्भ उत्पादक भाव, ये भी पूछा हुआ है, इसी बार तो पूछा गया गर्भ उत्पादक भाव। तो 6 गर्भ उत्पादक भाव के सिर्फ नाम याद रखना है, मातृज पितृज आत्मज सत्मज असत सत्वज और क्या, देखिए 6 होता है कौन कौन, मातृज हो गया, ठीक है, पितृज हो गया, आत्मज हो गया, सत्मज हो गया, रसज हो गया और सत्वज हो गया। मतलब 6 भाव याद रखने हैं। ठीक है, गर्भ जो होता है ना फॉर्म होता है वो 6 भाव से फॉर्म होता है, ये नाम याद रखना है। मातृज भाव में तो बॉडी का जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन होता है ना इससे फॉर्म होता है, जिसमें कौन कौन आता है सॉफ्ट ऑर्गन में देखो, ये श्लोक याद मत रखना। ठीक है, इसमें क्या आता है, जो मातृज भाव से क्या आता है, त्वक आता है, लोहित आता है, मांस, मेद, नाभि, हृदय, कुलोम, यकृत, प्लीहा, वृक्क, वस्ति, वृषधारा, वृषधान, ठीक है, एनस जो होते हैं अमाश्य, पक्वाश्य, उत्तर गुदा और उधर गुदा, क्षुद्रांत, स्थूलता और बपा और बाप बहाना, सब क्या सॉफ्ट ऑर्गन दिख रहा है आपको, ये सब ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है किससे, मातृज भाव से। ठीक है, ठीक है, उसके बाद पितृज भाव से जो होता है ना पैटर्नल सोर्स से कौन कौन होता है, तो जो हार्ड पार्ट जो आपके होंगे ना वो डिराइव्ड होंगे पितृज भाव से। जो स्ट्रक्चर जो डिराइव्ड होता है पैटर्नल सोर्स से, व्हिच आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ फादर, केस, समश्रु, नख, लोम, दंत, अस्थि, सिरा, स्नायु, धमनी, शुक्र और सी, ये सब जो होता है ना मापितृज भाव से बनता है। आत्मज भाव, द फॉलोइंग फीचर आर डिराइव फ्रॉम आत्मा, दीज आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ आत्मा। ठीक है, जो बर्थ होता है जैसे एनु में, एनु आयु, आत्मा ज्ञान, मन, इंद्रिया, प्राण, अपान, ठीक है, सर्व, वर्ण, शुक्र, दुख, इच्छा, द्वेष, ये सब जो आता है ना, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, ये सब आत्मज भाव हो गया। ठीक है, ज्ञान विज्ञान भी आत्मज भाव ही आता है। ठीक है, उसका सत्यमज भाव, सात्मज भाव मतलब क्या होता है कि क्या होता है, सात्मज भाव क्या होता है, इंद्रिया प्रसाद, ठीक है, सर्व संप्रदाय, गुड क्वालिटी ऑफ वॉइस, वर्ण, आरोग्य, अनलस्य और अलुलोपत्वा हो गया। ठीक है, गुड कम्प्लेक्सेशन, बीज संप्राप्ति, ये सब जो हो गया ना, ये हो गया, चाहे इसको ऐसे समझ सकते सुश्रुत के अकॉर्डिंग, वीर्य, आरोग्य, बलम, वर्णम, उसी को याद रखना, उसको मत याद रखना। ठीक है, वीर्यम, आरोग्य, बलम, वर्णम, ये होता है सात्मज भाव। ठीक है, रसज भाव, रसज भाव क्या होता है, इंडिविजुअल जो रसज भाव क्या होता है, ये सारे सुश्रुत वाले याद रखना, जो तो शरीर उपचय होगा। ठीक है, ये रसज भाव क्या, शरीर उपचय, बल, वर्ण, स्थिति और हानि, ये कैसा हो गया आपका, रसज भाव हो गया। उसका सत्वज भाव, सत्वज भाव मतलब क्या होता है, ये जो भक्ति, समृति, ये सब जो होता है ना, मतलब कि भक्ति, शील, शौच, देश, स्मृति, मोह, त्याग, मत्स्य, ये सब जो होता है ना, ये हम आपका कैसा भाव हो जाएगा, तो सत्वज भाव हो गया। ठीक है, गर्भ वृद्धि कर भाव, गर्भ वृद्धि कर भाव मीन्स क्या होता है, फैक्टर व्हिच काउज डेवलपमेंट, गर्भ वृद्धि कर भाव मतलब क्या होता है, फैक्टर जो व्हिच रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ गर्भ, ये गर्भ वृद्धि कर भाव होता है। ठीक है, इसमें आता है क्या, गर्भ उत्पादक कर भाव, गर्भ उत्पादक कर भाव जो होता है फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्शन ऑफ गर्भ, जैसे मातृज भाव, पितृज भाव, आत्मज भाव, सत्वज भाव, रसज भाव और सत्वज भाव। ठीक है, मदर फॉलोइंग प्रॉपर एंड होलसम रेजिमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अवेलेबिलिटी ऑफ उपनेस, उपसवेद, थ्रू हुई गर्भ गेट्स नूरिस्ट। ठीक है, काल, परिणाम और स्वभाव। ठीक है, अब उपसने हो धातु निश्चय संबंध, द वट उपसने रेफर टू ट्रांसुडेशन व्हिच मीन्स धातु गेट्स नूरिस्ट थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसुडेशन। ठीक है, अब बात करते हैं क्या था, शरीर मोसा ऑफ मदर द गर्भ अंडर गो स्वेदन। ठीक है, और स्वेदन जो होता है ना हेल्प करता है नूरिशमेंट ऑफ गर्भ को। ठीक है, इट नूरिश करता है गर्भ इन द सेम वे हाउ एग गेट नूरिश्ड बाय द कंडक्शन ऑफ प्रोसेस हैचिंग ऑफ एग, जैसे बर्ड जो होता है ना हैचिंग करने के लिए नहीं करता, उसी तरह से फीटस को नूरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब बात करते हैं रस और मारुत अधमान, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल ग्रोथ ऑफ गर्भ होता है। ठीक है, अब बात करते हैं संप्राप्त संपत ऑफ गर्भ उत्पादक भाव। ठीक है, टोटल फैक्टर जो किसके कारण के गर्भ वृद्धि कर भाव का टोटल फैक्टर
पैटर्न कौन होता है इसको हम समराइज कर लेते हैं। संपत ऑफ गर्भ उत्पादक भाव, वृत्ति सुस्ता ऑफ मदर, उपशनि और उपस्वेद, मारुत उद्मान, रस कल्पन कल्परिणान और स्वभावी। ठीक है, अब बात करते हैं क्या रोल ऑफ पंच महाभूतिन गर्भ वृद्धि, हमने पहले ही पढ़ लिया रोल ऑफ पंच महाभूतिन गर्भ वृद्धि। ठीक है, तो हम चेतना व्यवस्थित वायु ये वाला पहले ही हमने पढ़ लिया। ठीक है, गर्भ पोषण, ठीक है, गर्भस्य मातृ परतंत्रा, ठीक है, गर्भस्य क्या था रसवाहिनी नारी, रसवाहिनी नारी फ्रॉम मदर इज कनेक्टेड टू नाभिनाल, नाभिनाल मतलब क्या था जैसे पूछे गर्भ पोषण ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो सिर्फ श्लोक को उतना नहीं समझना। ठीक है, रसवाहन नारी जो होता है ना मदर से कनेक्टेड हुआ किसे, नाभि नारी के द्वारा, मदर से किसे नाभि नारी के द्वारा गर्भ से कनेक्टेड होगा, और द थ्रू दिस चैनल द वीर्य ऑफ मदर आहार रस जो होता है ना रीच करेगा गर्भ के पास। ठीक है, और ट्रांसुडेशन ऑफ रस वीर्य रिस्पॉन्सिबल होगा गर्भ वृद्धि के लिए। ठीक है, और फ्रॉम द टाइम ऑफ डिपोजिशन ऑफ शुक्र इन द योनि फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट, ये क्लियर डिफरेंशिएशन डेवलपमेंट होता है मेजर एंड माइनर बॉडी पार्ट ऑफ गर्भ। ठीक है, डेराइव न्यूरिशमेंट और सर्वाइव कहता है अपने सब रसवाहा धमनी के द्वारा यानी नाभि नारी के द्वारा होगा। ठीक है, जो गर्भ जो होता है ना फ्री फ्रॉम थ्रस्ट और हंगर एंड इट इज़ ए डिपेंडेंट ऑन मदर, मदर पे डिपेंड करता है सारे एक्टिविटी न्यूरिशमेंट के लिए। ठीक है, ये न्यूरिशमेंट बाय द प्रोसेस ऑफ उपनेस और उपस्वेद की वजह से। ठीक है, उपनेस और उपस्वेद और डिफरेंशिएशन ऑफ बॉडी पार्ट, ये डिफरेंशिएशन ऑफ बॉडी पार्ट जो होता है डेवलप होता है किसे नाभि नारी से होता है। नाभि नारी क्या होता है न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, नाभि नारी निम्बिलिकल कॉर्ड हो गया, इम्बिलिकस ऑफ फीटस जो कनेक्टेड होगा नाभि नारी के द्वारा अपरा प्लेसेंटा से। ठीक है, अपरा जो है ना कनेक्टेड होगा कि मातृ हृदय से, अपरा किसे मातृ हृदय, और मातृ हृदय फूड और रस जो है ना किसको प्रोवाइड करेगा अपरा को, किसे सद्य मना ऋषिरा के द्वारा। ठीक है, पल्सेटिंग क्या है ये देखना याद रखना, सद्य मना सिरा के द्वारा किसे मातृ हृदय किसे अपरा को पहुँचाएगा, और अपरा किसको प्रोवाइड करेगा बल स्ट्रेंथ, क्या करें अपरा हुज प्रोवाइड करेगा बल बल बर्न और ऑल हैविंग ऑल द सिक्स रस किसको, तो अपरा से फीटस को पहुंचाएगा। ठीक है, रस द रस ऑफ मदर सर्व थ्री पर्पस होता है। ठीक है, स्व शरीर पुष्टि पूरे बॉडी का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, स्तन्य उत्पत्ति करता है। ठीक है, मतलब ब्रेस्ट मिल्क फॉर्मेशन होता है, गर्भ वृद्धि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ गर्भ का वृद्धि करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपरा, अपरा का डिफिनेशन भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इस श्लोक याद, अपरा गर्भस्य नाभि नारी प्रतिबद्धा अमरा इति लोको ख्याति। ठीक है, मतलब अपरा क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होता है जो कनेक्ट होता है किससे नाभि नारी के द्वारा, किससे मदर से कनेक्टेड होता है। ठीक है, अपरा तो अपरा निर्माण ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, गर्भिणी जो गर्भिणी में क्या होता है प्रेग्नेंट लेडी में क्या होता है द माउथ ऑफ स्रोतस विच कैरी आर्तव, जो कैरी करता है आर्तव बिल, आर्तव जो कैरी करते हैं माउथ ऑफ द स्रोतस जो होता है आर्तव वाहिनी से धमनिया आर्तव वाह स्रोतस जो होता है ना वो क्या करता है आर्तव को कैरी करता है, जो ऑब्स्ट्रक्ट या ब्लॉक हो जाता है किसके द्वारा गर्भ के द्वारा ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, हेंस आर्तव इज नॉट सीन इन प्रेग्नेंट वुमेन, इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन में देखें और आर्तव जो होता है ना ऑब्स्ट्रक्टेड बिलो मूव अपवर्ड एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एंड डेवलपमेंट ऑफ अपरा। समझ में आए क्या हुआ, जैसे गर्भिणी गर्भिणी प्रेग्नेंट वुमेन में क्या होता है माउथ जो अर्थव बाह स्रोतस होता है ना वहाँ से जो अर्थव फ्लो होता है उसको ब्लॉक कौन करता है गर्भ ब्लॉक कर देता है, गर्भ के ब्लॉक करने की वजह से क्या होता है जो अर्थव था वो क्या हो जाएगा कि मूव कर जाएगा अपवर्ड की तरफ मूव करके और हेल्प करेगा किसमें फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अपरा, द रिमेनिंग पोर्शन जो था मूव फर्दर अपवर्ड और रिच न्यूरिशमेंट टू ब्रेस्ट, और फिर वो जो रेस्ट पार्ट उसका जो है ना ऊपर पहुँच करके ब्रेस्ट के पास पहुँच जाता है न्यूरिशमेंट, मतलब क्या न्यूरिशमेंट करता है ब्रेस्ट को। प्रेग्नेंट वोमेन विल हैव इग्नोरेंट एंड एलिवेटेड ब्रेस्ट होता है। ठीक है, नाभि नारी नाभि संसक्ता नारी नाभि नारी द नारी वन इंड विच इज कनेक्टेड टू नाभि ऑफ फीटस इज कॉल्ड नाभि नारी बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अदर इंड ऑफ नाभि नारी इज कनेक्टेड टू अपरा, एक इंड किसे फीटस या एक इंड अपरा से कनेक्टेड होगा। ठीक है, फंक्शन ऑफ नाभि नारी, नाभि नारी का फंक्शन क्या होता है रस वीर्य फ्रॉम द मदर रसवाहा नारी रिचेज टू गर्भ थ्रू नाभि नारी के द्वारा। ठीक है, अब बात करते जरायु, जरायु इज क्लियर कलरलेस मेम्ब्रेन, जरायु क्या था क्लियर कलरलेस मेम्ब्रेन होता है जो कवर करता है किसको फीटस को, दिस कैन बी कोरिलेटेड टू वर्निक्स कोर्स कोरिसा विच इज ए लेयर ऑफ चीज लाइक होता है। ठीक है, और ग्रीजी प्रोटेक्टेड मटेरियल कवर करता है किसको स्किन को, स्किन ऑफ फीटस एंड नियोनेट को कवर करने का काम करता है जरायु। ठीक है, जब इट इज द प्रोड्यूस्ड बाय सुबेसियस ग्लैंड ऑफ स्किन एंड कंटेन स्किन स्केल एंड फाइन हेयर रखता है। ठीक है, अब स्तन्य निर्माण, स्तन्य निर्माण हालांकि यहाँ का नहीं है लेकिन पूछा हुआ है उप धातु में पूछा जाता है स्तन्य निर्माण क्या होता है गर्भिणी में, गर्भिणी में कहता है जो आर्तव वाहिनी से स्रोतस जो होता है ना वो आर्तव को लेके जाता है, तो ऑब्स्ट्रक्ट किसके द्वारा गर्भ के द्वारा हो जाता है। ठीक है,
अब गर्भ के द्वारा जो रुक जाता है तो वो ऊपर की तरह मूव करता है, एक तो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन डेवलपमेंट करा देता है और जो रेस्ट बार जो बच जाता है वो और ऊपर जाकर के कहता है ब्रेस्ट यानी स्तन्य का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं स्वीट इसेंस रस प्रोड्यूस्ड आउटकम ऑफ आहार पाक रीचेज टू स्तन फ्रॉम इंटायर बॉडी एंड गेट कन्वर्टेड इन टू ब्रेस्ट मिल्क में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब साद्योगृहित लिंग मतलब साद्योगृहित लिंग मतलब क्या था, जो लक्षण जो होता है प्रेगनेंसी का जो लक्षण होता है वो कैसा आएगा, द इमीडिएट साइन ऑफ प्रेगनेंसी, इमीडिएट साइन जो साद्योगृहित गर्भ लक्षण मतलब क्या था लिंग या लक्षण वही होता है, द इमीडिएट साइन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है श्रम मतलब थकावट महसूस होगा, ग्लानी उद्धष्टेशन पिपासा प्यास ज़्यादा लगेगा, शक्ति साधन वीकनेस ऑफ थाई होगा, शुक्र सोनित अबंध स्टॉपेज ऑफ शुक्र और सोनित प्रवृत्ति, योनि स्फूर्ण मतलब क्या था सेंसेशन फील होगा योनि रीजन में। ठीक है, तो ये साद्योगृहित गर्भ लक्षण हो गया मतलब इमीडिएट, उसके बाद व्यक्त गर्भ लक्षण या गर्भिणी लक्षण। ठीक है, व्यक्त गर्भ लक्षण या गर्भिणी लक्षण, गर्भिणी लक्षण के श्लोक का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, गर्भिणी लक्षण क्या होता है आर्तव अदर्शनम मतलब स्टॉपेज ऑफ आर्तव, देखो आर्तव अदर्शनम मतलब स्टॉपेज ऑफ आर्तव हो जाएगा, आस्य श्रमश श्रवणम मतलब क्या होता है एक्सेस सेलिवेशन होगा। ठीक है, अन अभिलाषा एनोरेक्जिया हो जाएगी, जो पेशेंट जो होता है अन अभिलाषा खाने का मन नहीं करेगा, छर्दी छर्दी मतलब वोमिटिंग होगी, अरोचक रुच टेस्टलेसनेस खत्म हो जाएगा। ठीक है, अम्ल कामता, अम्ल कामता मतलब क्या होता है लाइकिंग फॉर खट्टा चीज़ खाने का मन करेगा, च विशेषणम श्रद्धा च विशेषणम विशेष रूप से। ठीक है, श्रद्धा प्राण्याना उच्च वेशु भाव, श्रद्धा प्राणे उच्च वेशु भावेशु। ठीक है, मतलब क्या होता है लाइकिंग फॉर ऑल टाइप ऑफ फूड बोथ होलसम एंड हॉलसम सब खाने का मन करें, गुरु गातृत्व अंग में क्या होता है हैवीनेस महसूस होगा बॉडी में, चक्षु अगोलुनी चक्षु ग्रेता चक्षु गोलनी मतलब क्या होता है कि जो होता है एग्जेसेशन ऑफ आई हो जाएगा। ठीक है, अस्तन्यो अस्तन्य ओष्टो अस्तन्यो अस्तन्य अपियरेंस ऑफ मिल्क इन ब्रेस्ट अस्तन्य ओष्ट ओष्ट अस्तन्य मदालो कसन्य। ठीक है, मतलब क्या होता है कसन्य मतलब क्या होता है सूख जाएगा, मतलब ब्लैक डिस्कलरेशन ऑफ लिप्स एंड एरियोला ऑफ ब्रेस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है सबथू पाद्यो मतलब वो क्या होता है पाद स्वथु मतलब स्लाइट ड्यूमा और पैर थोड़ा सा फूल जाएगा, लो मार्जी उदम्बा अपियरेंस ऑफ स्मॉल हेयर्स हो जाएगी। ठीक है, योनि कटलत्वा मतलब डायलेशन हो जाएगा योनि का तब तो। ठीक है, अब बात करते हैं युगम गर्भ ट्विंगिंग मतलब क्या था बीज इनसाइड द शुक्र कहता है बीज इनसाइड द यूटेरस गेट डिवाइडेड इनटू टू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वायु एंड रिसीव टू जीव हुई चीज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टू गर्भ। आयुर्वेद के समय में ट्विंगिंग का कंसेप्ट था, युगम गर्भ दो का कंसेप्ट आयुर्वेद के समय भी था, अभी तो बहुत सारे चैलेंजिंग लोग हैं अभी भी प्रूफ नहीं कर पाए हैं अभी तक इसको। द बीज इनसाइड द यूटेरस गेट्स डिवाइडेड इंटू टू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वायु महाभूत के इन्फ्लुएंस की वजह से। ठीक है, और रिसीव टू जीव हुई रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ टू गर्भ दीज इन्होंने यमला गर्भ या युगम गर्भ। ठीक है, द रीजन ऑफ गेटिंग ऑफ युगम गर्भ इज अधर्म को मानते हैं युगम गर्भ होने का मतलब। ठीक है, अब डोमिनेंसी ऑफ आर्तव ड्यूरिंग कंसेप्शन रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ फीमेल चाइल्ड दैट इज शुक्र रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मेल चाइल्ड इफ वायु डिवाइडेड द बीज इन सच ए वे दैट इफ वन पार्ट इज डोमिनेंस ऑफ शुक्र और अदर इज द डोमिनेंस ऑफ आर्तव। ठीक है, वायु डिवाइडेड बीज को किसमें इन ए डैट वे। ठीक है, वन पार्ट डोमिनेंस हो जाएगा शुक्र और अदर पार्ट डोमिनेंस हो गया आर्तव, देन फ्रॉम द पार्ट हुज डोमिनेंस शुक्र इज मेल चाइल्ड और अदर पार्ट फीमेल चाइल्ड बॉर्न हो जाएगा। ठीक है, ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ बोथ अगर ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ बोथ बोथ द पोर्सन हैव डोमिनेंस ऑफ शुक्र और दोनों डोमिनेंस हो गया शुक्र तो चिल्ड्रेन मेल होगा, अगर दोनों डोमिनेंस हो गया आर्तव तो फीमेल होगा। ठीक है, इफ एक्सेसिवली विशिएटेड वायु अगर एक्सेसिवली विशिएटेड वायु डिवाइड कर दिया बीज इंटू मेनी पार्ट्स दिस रिजल्ट बर्थ ऑफ मनी चिल्ड्रेन। ठीक है, अगर ज़्यादा विशिएटेड हो गया वायु महाभूत तो डिवाइड कर देता है बीज को किसमें मनी पार्ट्स में और मनी पार्ट्स में डिवाइड कर देगा तो इसकी वजह से क्या होता है 3, 4, 5, 6 बच्चे का जन्म हो जाता है। ठीक है, द नंबर डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डिवीजन पे डिपेंड करेगा। ठीक, कितने बच्चे हो गए दिस फेनोमेना इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ अंश सेल्फ एंड इट हैपेंस ड्यू टू द अंश एक्शन ड्यूरिंग प्रीवियस लाइफ। ठीक है, मतलब पुराने समय में कुछ गलती किए होते हैं ना उसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इसका रीजन अभी तक किसी को नहीं पता। ठीक है, लेकिन आचार्य ने कहा है कि मतलब वायु महाभूत जितना ज़्यादा डिवीजन करेगा उतने ज़्यादा बच्चे फॉर्मेशन हो जाएंगे। वायु अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कर्म ऑफ प्रीवियस बर्थ डिवाइड द बीज इंटू अन इक्वल पार्ट
देन द चाइल्ड बर्न फ्रॉम बिगर पोर्शन विल बी हेल्दियर और चाइल्ड बर्न विद स्मॉलर पोर्शन विल बी कंपेरेटिव बिगर। ठीक है, तो ये भी होता है, मतलब क्या होता है, इन कर्म जो प्रीवियस बर्थ पुराने जन्म में अगर कुछ गलत किए होते हैं ना, तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एक को ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है, एक को कम न्यूट्रिशन मिलता है। जिसको ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है वो ज़्यादा हेल्दियर हो जाता है, जिसको कम मिलता है वो बिकर्स हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या ट्विन प्रेगनेंसी इज कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ डिप्रेशन इन द सेंटर ऑफ एब्डोमेन विद रेज्ड एरिया ऑफ पेरिफेरी व्हिच रिसेंबल एबॉर्ट। जब देखो ना ट्विन प्रेगनेंसी वाले को देखोगे तो दो पार्ट में दिखेगा कि मतलब फीटस एब्डोमेन बटा हुआ दिखेगा आपको। और से देखोगे ना हाथ लगा के देखो, मतलब पेशेंट को सुला दो, गर्भिणी को बेड पे सुला दो और फिर उसको फील करोगे तो दो पार्ट में बटा हुआ दिखेगा फीटस, मतलब उस तरह से लगेगा। तो ये होगा क्या, उसके बाद बात करते हैं अवयव उत्पत्ति। ठीक है, अवयव उत्पत्ति जो होता है ना, देखिए ये तो श्लोक का कोई मतलब नहीं है। फॉलोइंग आर द मोड ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन, जो दोनों ऑर्गन किस किस से बनता है, किससे कौन ऑर्गन बनता है ये, तो देखिए यकृत और प्लीहा सोनित से बनेगा, फुफुस्सा जो होता है ना सोनित फेन से बनेगा, उंडुक सोनित फेन। सिर्फ पीजी के लिए पढ़ना है, आपके सिलेबस का नहीं है, जो बीएमएस फर्स्ट ईयर देना चाहते हैं उनके लिए नहीं। अंतर्गुदा अवस्थी ये सब क्या था, अश्रिक से सेलेस्मा जो अंडर गो पाक बाई पित दिस गेट ट्रांसफर्स होता है वायु के द्वारा, जो फॉर्मेशन करता है कि आंत्र गुदा और बस्ती जीवा जो होता है ना फॉर्म होता है, सार ऑफ कॉफ सोनित और बांस अंडर गो पाक इज द उधर रीजन में होता है। ठीक है, स्रोतस क्या होता है, कंबाइनिंग फ्रॉम उसमें वायु क्रिएट करता है स्रोतस, पेशी जो होता है ना वायु इंटर करता है मांस में, डिवाइड कर देता है पेशी में। ठीक है, शीरा और स्नायु जो होता है फॉर्म होता है, स्नेह भाग ऑफ मेद, शीरा एराई जो होता है मृदु पाक्स ऑफ एंड स्नायु जो होता है ना कफ पाक से, ठीक हर पाक से कफ पाक से। ठीक है, अब बात करते हैं क्या आशय, आशय मतलब कहते हैं वायु रिसाइड करता है सर्टेन प्लेस फॉर सम टाइम, क्रिस्ट आशय बोलते हैं। वृक किडनी जो होता है ना फॉर्म होता है किसे, प्रसाद भाग ऑफ रक्त और मेद की वजह से। ठीक है, और ब्रसान फॉर्म्ड बाय द प्रसादन भाग ऑफ मांस अश्रिक कफ और मेद। हृदय फॉर्म्ड बाय द प्रसाद भाग ऑफ सोनित एंड कफ। कालिया मतलब फॉर्म्ड बाय रक्त और वात के द्वारा, त्वक फॉर्म्ड फ्रॉम द पाक ऑफ अश्रिक के द्वारा होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्या काल जो होता है ना फॉर्म्ड फ्रॉम पाक ऑफ धातु सेंत्र क्लेद, इंद्रिया जो फॉर्म होता है प्रसादन भाग जो प्रोड्यूस होता है पाक ऑफ पंच महाभूत कफ और रक्त महासुर होता है कृष्णा मंडला, फॉर्म्ड फ्रॉम द प्रसाद भाग ऑफ सलेस्मा, कृष्णा मंडला फॉर्म्ड फ्रॉम अश्रिक, दृष्टा मंडला फ्रॉम सलेस्मा और रक्त के द्वारा। मैंने आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से, पूरा चैप्टर अच्छे से समझाया, आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। ठीक है, थैंक यू।